Hello everyone, today I am here to explain the topic of methods of central tendency in statistics. अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो PGT exams के लिए सांख्यिकी एक टॉपिक है, सांख्यिकी एक विषय है जो कि हमारा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें एक टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होता है कि ये बताता है कि हमारे डाटा का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेप या नेचर कैसा है, उस डाटा का शेप या नेचर कैसा है और वो एग्जैक्टली सेंटर पे कहाँ पे लोकेट करता है, यानी उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो केंद्रीय जो है केंद्रीय स्थिति क्या है। डाटा जो है हमारा उसका शेप और नेचर, शेप एंड नेचर एंड उसकी केंद्रीय स्थिति यानी सेंट्रल लोकेशन उसकी क्या है, टेंड टू बी लोकेटेड क्या है, वो वहां पे हम जो है इसको पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास तीन टाइप्स जो है मेजर्स हैं। हम सेंट्रल लोकेशन उसकी, हम उसकी लोकेशन या उसके शेप और नेचर पता करने के लिए हम तीन मेजर्स को यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीन, मीन को हम बोलते हैं औसत। इसके बाद आता है हमारा मीडियन, औसत या माध्य, माध्य भी आपको वर्ड जो है वो सुनने को मिलता है। इसके बाद हमारा मीडियन यानी मध्यांक या माध्यिका, मध्यांक या माध्यिका। इसके बाद आता है हमारा मोड यानी बहुलक। तो ये जो है हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं, तीन मेजर्स हैं जिनको हमें करना है। फर्स्ट इज मीन एंड मीडियन एंड मोड, माध्य माध्यिका एंड बहुलक। ये तीनों जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी डाटा जो है एक ऐसा नंबर बताते हैं जो पूरे डाटा को, जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो है हमारा एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे एक्यूरेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है। अगर सबसे एक्यूरेट की बात होती है तो सबसे एक्यूरेट होता है मीन, क्योंकि ये सारे डाटा को जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि सबसे जल्दी यानी जो हम जनरल लाइफ में सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, दैट इज मोड। जो है हमारा टॉपिक क्या है वो मीन, यानी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मीन के बारे में। पहले हम मीन यानी माध्य के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट एंड इस पे इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लगाएंगे एंड देखेंगे whether we are capable to doing that or not, यानी हम इसको कर पा रहे हैं या नहीं। मीन की बात करें तो मीन क्या होता है, मीन होता है एक एवरेज। क्या होता है? एन एवरेज ऑफ गिवन डाटा और स्कोर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन। ठीक है, तो जो भी एवरेज होता है गिवन डाटा और स्कोर्स को, इसको हम लोग मीन या माध्य कहते हैं। माध्य क्या होता है? कोई भी सीरीज है, कोई भी डाटा है, उसका एक ऐसा नंबर जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी का 18 नंबर आया, किसी का 19, 25 नंबर का टेस्ट है और किसी का 18 आया, किसी का 19 आया, किसी का 20 आया, किसी का 21 आया, किसी का 22 आया, किसी का 20 आया, किसी का 20.5 आया, किसी का 21.5 आया। तो अगर उसका मीन 20 है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज जो है
सब बच्चों के मार्क्स जो है वो 20 के आसपास हैं, यानी जो 20 नंबर है 20 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें इसको कैलकुलेट करने की, तो सिंपली इसके लिए एक लाइन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या स्कोर इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम या स्कोर्स ऑब्जर्वेशन। तो क्या कह सकते हैं हम कि अर्थमेटिक मीन या मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे। उसके पहले माध्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं, यानी दो तरह का डाटा होता है, दोनों डाटा की अलग अलग विधियां होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जो पहला प्रकार का डाटा होता है दैट इज ग्रुप्ड डाटा, द फर्स्ट वन इज अनग्रुप्ड डाटा एंड सेकेंड वन इज ग्रुप्ड डाटा। जब हमने टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ा था तो हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। अगर हम सिंपल वे में बताएं तो अनग्रुप्ड डाटा जो होता है जिसके साथ हमारा जो है फ्रीक्वेंसी या ये क्लास इंटरवल में या फ्रीक्वेंसी के साथ ग्रुप नहीं होता है इसका। जैसे मान लीजिए कि हम बोलें कि क्लास में जो है पांच बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में अच्छे हैं, पांच बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं, पांच बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में अच्छे हैं, तो ये हो गया ग्रुप्ड डाटा। यानी हमने पांच पांच का ग्रुप बना लिया और हम उनको डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस सब्जेक्ट में अच्छा है, ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है, ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है कि हमने बोल दिया कि अच्छा इस ये लड़का है राम, इसका हिंदी अच्छा है, ये लड़की है सीता, इसका मैथ्स अच्छा है, ये लड़का है मोहन, इसका फिजिक्स अच्छा है, ये लड़का है राहुल, इसका बायो अच्छा है। तो ये क्या हो गया, अनग्रुप्ड डाटा हो गया, यानी जो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कोई ग्रुप नहीं है, दैट इज अनग्रुप्ड डाटा। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है सिंपल फॉर अनग्रुप्ड डाटा, यानी हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे अभी, अनग्रुप्ड डाटा की। पहले यानी हम पहले अनग्रुप्ड डाटा को जो है वो देखेंगे। अनग्रुप्ड डाटा में कुछ हम अभी आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला है एक्स बार, एक्स बार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मीन को या माध्य को। यहाँ पे हम एक्स बार की जगह मीन लिख सकते हैं एंड सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर ये आप नोट कर लीजिए एक्स बार इक्वल टू मीन, सिग्मा एक्स इक्वल टू, सिग्मा का मतलब होता है सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या स्कोर या सब सम ऑफ आइटम। इसके बाद एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको जो है हमें पढ़ के इसी के बेसिस पे हमें जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डाटा को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस पे जो है हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, छह विद्यार्थियों द्वारा हिंदी विषय में प्राप्तांक, मान लीजिए किसी कक्षा में छह विद्यार्थियों के जो है हमें प्राप्तांक दिए, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट जो है पहला मार्क्स जो है वो 15 है, दूसरा 25 है, तीसरा
18 है, चौथा 22 है, पांचवा 17 है, 23 है, 20 है, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये जो हमारे 6 मार्क्स दिए गए हैं, ये हमारा इमेजिनरी डाटा है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसका टोटल करें, हम पहले तो फॉर्मूला देखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थियों द्वारा हिंदी विषय में प्राप्त अंक, यानी दे आर 6 स्टूडेंट हु ऑब्टेन दे पर्टिकुलर मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट। देन मार्क्स इज 15, 25, 18, 22, 17 एंड 23। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे सिग्मा x इक्वल टू x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब क्या है, हम इनको ऐड कर लें। अगर हम इनको ऐड करें, 15 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6। 6 दिया भी हुआ है, हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो 15 प्लस 25 इक्वल टू 40, 40 प्लस 18 इक्वल टू 58, 58 प्लस 22 यानी ये 22 और 18 हो गया 40, एंड ये जो है हमारा हो गया 40, 40 इक्वल टू 80, एंड ये भी हमारा हो गया 40, 80 40, 120। तो 120 अपॉन 6 की अगर बात करें तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना इसको 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 60। अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे हमारा एवरेज कितना निकलेगा, 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स जो है हमारा, ये मीन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम अपना ग्रुप डाटा निकालते हैं। इसके और भी क्वेश्चन हम आगे करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे हम ले लेते हैं दस बच्चों की लंबाई निम्नलिखित है, उनकी लंबाई का माध्य बताइए, उनकी लंबाई का माध्य बताइए। ये एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। तो डाटा कभी भी रिपीट नहीं होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम डाटा जो है वो इमेजिनरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 बच्चों की लंबाई निम्नलिखित है, उनकी लंबाई का माध्य बताइए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, किसी की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, किसी की 15 सेंटीमीटर, किसी की 12 सेंटीमीटर, किसी की 22 सेंटीमीटर, किसी की 27 सेंटीमीटर, किसी की 17 सेंटीमीटर, किसी की जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी की 18 सेंटीमीटर, किसी की जो है 25 सेंटीमीटर, किसी की जो है 10 सेंटीमीटर और किसी की 20 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे 10 हमने लंबाई ले ली। अब यहाँ पे हम फिर से अपना फॉर्मूला यही रखेंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब है इनका हम ऐड कर लें, इनका हम टोटल कर लें। तो 25 प्लस 15 इक्वल टू 40, 40 प्लस 12 इक्वल टू 52, 52 एंड 20 इक्वल टू 54, 64, 74, 74, 74 प्लस 27,
74 प्लस 27 81 एंड 101 प्लस 17 118 प्लस 18 136 प्लस 151 प्लस 10 171 प्लस 20 191 अपॉन 10 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 191 यहाँ पे लिख लेंगे, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, मैनुअली ऐड किया है एंड इसके बाद 10, तो ये जीरो हट जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 19.1 जो है हमारा आंसर आएगा। जीरो हटेगा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, वरना आप डिवाइड करके देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो 19.1, यानी हम अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 19 जो है वो हमारा मीन हम कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिसमें x करके जो है वो वैल्यू दी रहती है, बच्चे अक्सर एक्स वाई देख के जो है वो घबरा जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं आज, एंड फर्दर क्लास में जो है हम अनग्रुप्ड डाटा यानी फ्रीक्वेंसी वाले डाटा की बात करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये दिया गया है हमारा वेट ऑफ 5 चिल्ड्रेन, वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स का लीजिए। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स इन क्लास, ये दिया हुआ है और हमें इसका मीन निकालना है। तो यानी यहाँ पे हमें दिया होगा वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लासेस 30 केजी, 20 केजी, इसको केजी कर लीजिएगा, किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम एंड एक्स किलोग्राम, ठीक है, लास्ट वैल्यू इज एक्स। तो जब हम एक्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई एक चीज दी होगी, यहाँ पे हमें इसका मीन दिया होगा। मान लीजिए मीन दिया हुआ है वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इन क्लास इज देयर फॉलोइंग एंड द मीन इज, एंड द मीन इज 22 केजी एंड द मीन इज 25 केजी। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम देखिए ये जानते हैं ये बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, हमें बस वैल्यू रख देनी है इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस एक्स एंड नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार हमारा दिया हुआ है, एक्स बार हमारा कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐड कर लेंगे, 25 हमने ऐसे ही लिख दिया, इनको हमने ऐड कर लिया, 30 20 हो गया 50, 50 15 हो गया हमारा 65, 65 25 हो गया हमारा 90, ठीक है। ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए, 50 तो ये हो गया 40, इक्वल टू 90 प्लस एक्स अपॉन 5, 90 प्लस एक्स अपॉन 5 के पास डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 90 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 इक्वल टू 90 प्लस एक्स, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि जब इक्वल का साइन होता है तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, ऐसे इंटरचेंज होते हैं। तो
तो ये माइनस में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 90। 125 माइनस 90 का मतलब है 35। x की वैल्यू आ जाएगी 35। इसको हम एक बार अगर चेक करना चाहें तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये कितना वैल्यू थी, 90 थी, 90 में 35 ऐड कीजिए आ जाएगा 125। 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 25। तो भैया जो है हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी, ये आ गई हमारी 35 वैल्यू आ गई। तो ये जो है इस तरह से दिया जाता है, बाकी x प्लस वन x प्लस टू करके भी दी जाते हैं, ग्रुप डाटा के सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन पे होगी और उसमें जो है हम ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। एंड जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में डालना होगा। आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में पोस्ट करना होगा। इफ द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इज फॉलोइंग एंड द मीन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई मार्क्स की जो है आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर 6 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, ये आपको इस तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, किसी के मार्क्स दिए हुए 18, किसी के 20, 25, 22, 23 एंड y मार्क्स। आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, y की वैल्यू। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके पोस्ट करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग। फर्दर क्लासेस में हम आगे का डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।